पर ड्राई स्किन वालों को विंटर्स में पसंद ना, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जिन लोगों को अभी लगता है कि विंटर्स ज्यादा है और आपका स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव या ड्राई हो रहा है, हसल है ड्राई हो रहा है, नायका का जो बनाया था हॉल उस टाइम पे परचेज किया था, उसके एक हफ्ते बाद से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज पूजा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक न्यूली लॉन्च बॉडी लोशन का रिव्यू करने वाली हूँ। ये न्यू लॉन्च हुए थोड़ा टाइम हो गया, वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट है। इवन बहुत सारे लोगों ने मुझे इसका रिव्यू करने को बोला था, बट उस टाइम पे मैं रिव्यू नहीं कर पाई थी। बट फाइनली मैंने इसको परचेज किया है, इवन मैंने अपने स्किन पे यूज किया है, देन उसके बाद मैं आपको रिव्यू शेयर कर रही हूँ। आज का जो वीडियो है वो है वैसलीन ग्लूटाहाइड ड्यूवी रेडियंस सीरम इन लोशन। बेसिकली दिस इज फॉर ग्लोइंग एंड रेडियंस के। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये है लोशन, सीरम इन लोशन। तो उन्होंने टू वेरिएंट्स लॉन्च किए थे उस टाइम पे वैसलीन ने। जो सबसे पहला है ये पिंक ट्यूब में आता है, जो है ड्यूवी रेडियंस सीरम इन लोशन। और जो सेकेंड वाला आता है वो कुछ येलो गोल्डन कलर की ट्यूब आती है, वो भी एक सीरम इन लोशन है, बट वो आई गेस है फॉर फ्लॉलेस स्किन। तो उसको मैंने ज्यादा यूज नहीं किया, मैंने बिकॉज एक ही साथ दोनों को परचेज किया था, तो मैंने उसको ज्यादा यूज नहीं किया, इसको ज्यादा यूज किया है डेली बेसिस पे। तो पहले मैं इसका रिव्यू करूंगी, देन नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मैं सेकंड सीरम इन लोशन जो फ्लॉलेस स्किन के लिए है उसका भी रिव्यू मैं बहुत ही जल्द अपने चैनल पे लेके आऊंगी। आज के वीडियो में इस सीरम इन लोशन के बारे में बात करेंगे डिटेल में, कैसे आपकी स्किन को ये ड्यूई रेडियंस बनाता है, इतना ज्यादा अच्छा है। ड्यूई रेडियंस बनाने के साथ साथ क्या हमारी स्किन को ये हाइड्रेट मॉइस्चराइज करता भी है कि नहीं करता है, इसके क्या ऐसे एग्रीडिएंट है जो हमारी स्किन को ड्यूई रेडियंस बनाएगा, कितना वर्थ इट है कितना नहीं है। बट पर्सनली मुझे वैसलीन ब्रांड बहुत पसंद है, बिकॉज वैसलीन के जो पुराने लोशन आते थे वो मैं बचपन से यूज करती आई हूँ। इनका जो लिप बाम्स आते हैं वो बहुत ज्यादा फेवरेट है, बिकॉज इनका जो क्वालिटी है ना वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखते हैं ये सीरम इन बॉडी लोशन भी कितना ज्यादा अच्छा है, स्किन पे किस तरह से वर्क करता है। इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगी इसके बारे में, इस वीडियो में मैं इसका डिटेल में रिव्यू करूंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट से कर लो, इसी तरह की इन द फ्यूचर ढेर सारी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छी लगे, तो गाइस प्लीज लाइक का बटन भी दबाना ना भूले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग और इसकी प्राइस की। गाइस इसकी प्राइस की बात करें, जो इसका एमआरपी मिलता है वो मिलता है 300 रुपीज में। तो अगर आपने नहीं खरीदा है, अगर आपको खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है मैं परचेज लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां से खरीद सकते हो। तो एमआरपी इसका 300 रुपीज है और इसकी जो क्वांटिटी मिलती है वो मिलती है 200 ml। पैकिंग आप देख सकते हो, ये ट्यूब पैकिंग में आता है इन पिंक कलर और जिसपे लिखा हुआ है वैसलीन ग्लूटाहाइड ड्यूवी रेडियंस सीरम इन लोशन, एंड इसपे लिखा हुआ है दिस इज अ नॉन स्टिकी सीरम इन लोशन। मतलब ये नॉन स्टिकी है और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट एक सीरम इन लोशन है। आफ्टर यूज दिस सीरम इन लोशन स्किन मेक्स ब्राइट। मतलब ये जो सीरम इन लोशन है हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है फर्स्ट यूज के बाद ही, ऐसा ब्रांड ने क्लेम किया है। एंड इट मेक योर स्किन ब्राइट एंड ग्लोइंग फ्रॉम डल स्किन। आपका स्किन डल है तो ये आपकी स्किन को ब्राइट बनाने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को ग्लो बनाने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट। सबसे पहला जो है ग्लूटा ग्लो, इसके अंदर जो ग्लूटा ग्लो है उसके अंदर 10 times मोर पावर होती है आपकी स्किन को ब्राइट बनाने में कंपैरिजन देन विटामिन सी। मतलब विटामिन सी से ज्यादा इसके अंदर 10 times पावर होती है स्किन को ब्राइट बनाने में। इसके अंदर है जो हाइलुरोन जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड ड्यूई बनाने में हेल्प करता है, एंड इसके अंदर है 10 times एक्टिव नियासिनामाइड जो क्या करता है आपकी स्किन में नेचुरल रेडियंस को बूस्ट करने में हेल्प करता है। उस वजह से आपका स्किन ना एक नेचुरल ग्लो दिखता है और आपके स्किन में एक नेचुरल रेडियंस भी बनी रहती है। अंदर से आप कंसिस्टेंसी देखोगे, इट कम्स इन व्हाइट कलर जो एक लोशन की तरह ही होती है जो हम नॉर्मली एक बॉडी लोशन यूज करते हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा सुपर लाइट वेट टेक्सचर के साथ आता है जो आपकी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनाता। अभी जैसे विंटर चल रहा है तो मैं जैसी जगह पे रहती हूँ वहां तो विंटर नाम की कोई दूर दूर तक मतलब नाम की चीज ही नहीं है, पर जहाँ पे दिल्ली वगैरह और अदर जगह पे इतनी भी ठंड पड़ती है वहां पे ये कितना हाइड्रेट करता है, अगर आप लोगों ने यूज किया हो तो मुझे जरूर बताइएगा। बट मैं मुंबई जैसे शहर में यूज कर रही हूँ तो ठीक से मेरे स्किन पे वर्क कर रहा है, बिकॉज समर्स या विंटर्स हो मेरा जो बॉडी का टाइप है ना वो बहुत से ज्यादा ड्राई है और इवन सेंसिटिव भी है, तो ये मेरी स्किन पे अच्छे से वर्क कर रहा है। मतलब सेंसिटिव स्किन है मेरी, फिर भी कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई, बड़ी अपनी मेरी स्किन को ना अच्छे से हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज कर देता है। पर्सनली मुझे सबसे अच्छा ये लगा इसका फ्रेग्रेंस, इसका फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है। और मैं बोलूंगी अगर ये बॉडी लोशन सीरम एंड बॉडी लोशन अगर आपने स्किन पे लगा लिया है तो आई डोंट थिंक सो कि कोई
आपको कोई अपना डिओड्रेंट लगाने की जरूरत है या फिर कोई आपको परफ्यूम लगाने की जरूरत है। इतनी अच्छी स्मेल है, इतनी माइल्ड स्मेल है, बहुत ही अच्छी स्मेल है। मुझे तो इसकी स्मेल इतनी पसंद आई है कि जब मैंने आफ्टर बाथ इसको अप्लाई किया ना, तो मेरे कपड़ों तक भी इसकी स्मेल रही है। हो सकता है कि किसी किसी को ना लगती हो, बट मुझे तो इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी लगी। मैंने इसे लगाया तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि मैंने उस टाइम पे कोई परफ्यूम या फिर कोई भी डिओड्रेंट लगाया होगा। इफ यू नीड अ ग्लोइंग रेडियंस एंड ड्यूई स्किन, तो बेसिकली आप ये वाला वेरियंट चूज कर सकते हो। ये बहुत लाइट वेट है और आपकी स्किन को रियली में एक सटल ग्लो बनाता है। आप लोग उनमें से हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि इसमें कैसी स्मेल आती है, बट मेरा स्किन मॉइस्चराइज हो जाना चाहिए, तो हो सकता है आप लोगों को पसंद ना आए। पर जिन लोगों को वैसलिन ब्रांड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, उस पर ट्रस्टेड है, तो मैं आपको बोलूंगी सीरम बॉडी लोशन आप खरीदिए। मेरी स्किन पे ये अच्छे से वर्क कर रहा है। विंटर्स में भी आई थिंक कर सकता है। अगर आपकी स्किन बहुत ही सुपर ड्राई है तो हो सकता है आपको लगे ना कि आपका स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हुआ है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि मेरा स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है। अब जैसा क्लेम किया ब्रांड ने कि इंस्टेंट वन यूज के बाद स्किन ब्राइट दिखती है, गाइस सीरियसली आज मैंने मॉर्निंग में इसे यूज किया था, बट ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग में यूज किया है तो रात तक ग्लो ही ग्लो दिखता रहेगा। यस, आफ्टर फर्स्ट यूज स्किन में एक ब्राइटनेस आती है, वो मेरे को डेफिनेटली इसमें दिखी है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो मेरे स्किन में ना टैनिंग है, मेरे स्किन में पिगमेंटेशन है, मेरे स्किन में डार्क स्पॉट्स हैं, वो ये लोशन दूर नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं, उस वजह से आपका स्किन ये रेडियंस बनाता है, विजिबली ग्लो एंड ब्राइट बनाने में हेल्प करता है। तो आप इस बॉडी लोशन को डेली यूज कर सकते हो अपने बाथ रूटीन में, मतलब आफ्टर बाथ यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सोने से पहले भी यूज कर सकते हो, और आपको लगता है आपके हैंड्स बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, आपके लेग्स ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, तो आप सोने से पहले भी इसे अप्लाई कर सकते हो। मैं बेसिकली डेली बेसिस पे इसको आफ्टर बाथ ही यूज कर सकती हूँ, मेरा फेवरेट है। तो आप इसे डेली यूज कर सकते हो, कुछ अमाउंट आपको अपने हाथ में लेना है, देन अपने पूरे हैंड्स पे एंड अपने लेग्स पे, जहां जहां आपको पूरे बॉडी पे अप्लाई करना है तब आप कर सकते हो। और ये लाइट वेट है तो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब भी हो जाता है स्किन में, मतलब बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो होप मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी एक बार ट्राई कर सकते हो, बिकॉज काफी लोगों ने मुझे काफी टाइम से बोला था इसका रिव्यू कीजिए, काफी लेट हो गया, पर डेफिनेटली मैं इसका रिव्यू लेके आ गई हूँ। अगर आपको ट्राई करना है, आप सोच रहे हो, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। तो होप आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए क्या आपको अच्छा लगा या फिर आपको क्या पूछना है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन भी दबाना ना भूलें। तो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलती हूँ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।